ये सामने जो देख रहे हो आप, ये है गौरीकुंड। सामने देख रहे हो क्या मौसम हो रखा है, बहुत बढ़िया। और ये थोड़े थोड़े सामने कैलाश पर्वत के दर्शन हो रहे हैं अभी। और ये सामने है जी गौरीकुंड, ये गौरी। ये है गौरीकुंड, यहाँ पे जो है कि जो लेडी वगैरह होती है वही स्नान करती है, और जो जेंट्स है वो ऊपर ढल झील में स्नान करते हैं। देखिए सामने, ये गौरीकुंड में थोड़े से आपको स्टॉल, और यहाँ पे आपको टी स्टॉल वगैरह मिल जाएंगे, चाहे तो आप यहाँ पे रुक भी सकते हो। कितने में यहाँ पे रेस्ट हो जाती है जी, यहाँ पे रहने के लिए कितने का बंदोबस्त हो जाता है? हाँ जैसे दो बंदे हो, खाना पीने का 300 रुपया दो बंदों का, चलो बढ़िया है। एक बंदे का ना, चलो ठीक है। सामने आप देख ही सकते हो यहाँ पे सारा बाजार पूरा। अब चलते हैं अपने टेंट में, वहाँ पे चाय पीते हैं थोड़ी, तो फिर आगे चलते हैं डल झील की तरफ। वो सामने है डल झील, ये सामने कैलाश पर्वत। थोड़े थोड़े दर्शन हो रहे हैं अभी, धुंध पड़ रही है। गौरीकुंड में अभी दुकानें लगा रहे हैं बंदे अपनी अपनी। चलो चाय पीते हैं भैया की दुकान पे, फिर आगे चलते हैं।
सकते हो, दो बंदों के लिए ही। पर आपको दो दो तीन दिन कमरे मिल जाएगा और 300 रुपये में आपका यहाँ का स्टे बन जाएगा एक दिन का। गौरीकुंड से हमने यात्रा शुरू कर दी अब शिवकुंड के लिए, जहाँ से ये जो रास्ता जाता है पगडंडी या कमलकुंड के लिए गई, मगर इतनी दूर ऐसे मौसम पे जाना ठीक नहीं है। ऊपर भी जी पानी का फ्लो देखिए कितना तेज है। स्टार्ट है 1.5 किलोमीटर बता रहे हैं ऊपर की चढ़ाई, देते हैं अब कितने बजे तक ऊपर पहुंचते हैं। राम राम से चलते जाएंगे, बस ये कि दर्शन हो जाए। जैसे दर्शन हो जाएंगे वैसे ही नीचे पर वानगी शुरू है अपनी, कि मेन दर्शन के ऊपर ही बात है। दर्शन हो गए जल्दी तो जल्दी जल्दी चले जाएंगे नीचे को। ये जो पीछे देख रहे हो सारे आप, ये गौरीकुंड है। ये देखिए यहाँ का पहाड़ी डोग, शक्ल ही लग रही है इसकी, ये कितना भयंकर है देखने को। चलो आराम से बैठा है, क्यों चढ़ना है। हर हर महादेव। मणिमहेश नगर सेवा कमेटी रोपड़ चंडीगढ़।